सब में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए पहले हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए लहसुन 6-7, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, मीडियम साइज 3 प्याज और 6-7 टमाटर मीडियम साइज, और हमने लिया है 7-8 काजू, 20 काली मिर्च, 3 मीडियम साइज इलायची छोटी वाली, 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और प्याज को भी ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे। कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच तेल और 1/2 चम्मच जीरा। ये जो हमने गरम मसाले लिए थे इसको भी डाल देंगे एक साइड में। ये तेल में हमारे ये भुन गए हैं मसाले, जीरा, लौंग, इलायची, ये सारी भुन गए हैं, इसका फ्लेवर तेल में आ गया है। तो हम डालेंगे इसमें काजू, प्याज, लहसुन और अदरक, इसको भी डाल देंगे और ये टमाटर भी डाल देंगे। इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे और पकने के लिए 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी। मसाले हम बाद में मिलाएंगे। फ्लेम को थोड़ा भी तेज रखेंगे, पानी थोड़ा सा और डालेंगे, पानी कम लग रहा है, उबाल आ जाएगा, तो इसमें हम आँच धीमी कर देंगे, मीडियम धीमी, धीमा रख देंगे, थोड़ा पानी और डाल देंगे। अब इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ग्रेवी, वो लोग ग्रेवी पहले ही बना के रख लेते हैं, फिर अपने बार बार जैसी सब्जियों उस हिसाब से ग्रेवी डालते जाते हैं। अब ये पक जाएगा। इसकी आंच को अभी हमने तेज रखा है, बाद में हम इसको मीडियम कर देंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। अभी छिलका नहीं अलग हुआ, थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखते हैं, हाँ देखे, ये टमाटर पक गए ना, छिलके अलग हो गए, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने पे पीस लेंगे एकदम बारीक मिक्सी में। इसको हमने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल बारीक। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे, तो फ्राई करने के लिए हमने 2 चम्मच तेल डाला है और इसको हम बड़े पीसों में फ्राई करेंगे, फिर हम इसके टुकड़े बना ले कर लेंगे। ये लाल हो गए ना, ऐसे ही हमें ये फ्राई करने हैं। इसको आप कम तेल में भी कर सकते हैं और ज़्यादा तेल में भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा एकदम लाल टाइट नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है। अब हम इसको हम निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं फ्राई किया है, हल्के ही करा। देखिए पनीर हमारा ये मुलायम है, ऐसे ही पनीर होना चाहिए। टाइट कर देंगे तो रबड़ की तरह वो कटने लगेगा। पनीर की साइज आप छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो वैसे आप रख सकते हैं, मेरे को छोटे पसंद है। इसकी कटिंग हो गई ना, ऐसे ही हमें काटना है। इसी को आप बड़ा भी कर सकते हैं, बड़े बड़े पीस काट सकते हैं, तिकोनों में काट सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो उस हिसाब से। कढ़ाई में हमने 3 चम्मच तेल डाला है, तेल आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1/2 चम्मच जीरा, इसको थोड़ा लाल होने देंगे, गैस की आंच को तेज रखेंगे। अब ये तेल गरम हो गया है, गैस की फ्लेम को हम धीमी कर देंगे। अब इसमें जो हमने ग्रेवी के लिए पीसा हुआ था अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, उसको हम डालेंगे। गैस की आंच को धीमा रखा है, अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया,
एक चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, जैसे आप कम ज़्यादा खाएं वैसे आप डालें। नमक हमने पहले भी डाला है, उसको ध्यान में रख के नमक आप डालें। अब इसको हम चलाएंगे। फ्लेम को अभी हमने धीमे ही रखा, नहीं तो ये ऊपर नीचे छींटा मारने लगेगा। इसमें हमने एक चम्मच गरम मसाला डाला है, जैसे आप चटपटा खाएं उस हिसाब से आप कम ज़्यादा गरम मसाला डाल सकते हैं। अब इसको हम पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम करा हुआ है। ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी, इस ग्रेवी को हम कई चीज़ों पे यूज कर सकते हैं। जो सब्जी बनाना चाहें, चाप, बटर मसाला बनाएंगे तो उसमें बटर पड़ जाएगा, तो बटर मसाला हो गया। ये ग्रेवी कई सब्जियों में यूज हो सकती है। काजू की जगह आप खरबूजे के बीज होते हैं वो डाल सकते हैं, मूंगफली होती है उसको डाल सकते हैं, बटर मशरूम, जैसे आपको सब्जी बनानी हो ये ग्रेवी कई सब्जियों में काम आएगी। अब इसमें हम डालेंगे पानी, इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। जैसे आप कम ज़्यादा मटर खाना चाहें उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। इसके ग्रेवी के साथ ये मटर भी पक जाएंगे। अब इसको थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें हम डालेंगे ये पनीर के पीसेस जो हमने काटे थे, ये देखिए इसको हम डालेंगे। ग्रेवी में तेल ऊपर आ गया। जब तक ग्रेवी में तेल ऊपर ना आ जाए तब तक ग्रेवी को आप पकाएं। ग्रेवी आप और पतली जैसे आपको खाना चाहे वैसे आप कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे भुनी हुई कस्तूरी मेथी। मसालों का, ग्रेवी का, पनीर में स्वाद आ जाए, उसको दो एक मिनट और पकाएंगे। क्रीम डाल सकते हैं, इस पे आप क्रीम भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है मटर पनीर की। ये देखिए ग्रेवी तेल ऊपर, ये गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी मटर पनीर की सब्जी रेडी है। अगर यह रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।